नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको पता है कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं और किसी भी दिन को किसी विशेष रूप से मनाना एक त्यौहार के रूप में माना जाता है। मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ कि मुझे आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा के विषय में आप सबको संबोधित करने का अवसर मिला है। भाषा न केवल विचारों को स्पष्ट करने का सशक्त माध्यम होता है, बल्कि भाषा भावनाओं को दर्शाने के लिए भी काफी महत्व रखती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो अपनेपन का एहसास करवाती है। अंग्रेजी भाषा में जिसे मॉम कहते हैं, उसे ही हिंदी में माँ कहते हैं और आंग्ल भाषा में पिताजी को डैड कहते हैं। लेकिन मॉम डैड शब्दों में वो अनुभूति कभी महसूस नहीं होती जो माँ या पिताजी कहने में होती है। प्रेम, सहानुभूति, क्षमा आदि भावनाएं ही नहीं बल्कि एहसास जितने प्रभावी हिंदी भाषा में व्यक्त होते हैं, उन्हें हम आंग्ल भाषा में अर्थहीन से मानते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विभिन्न अन्य देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशियस में भी काफी प्रयोग हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल अन्य 21 भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का ही वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल की तैयारी की जा सके। 14 सितंबर 2017 को राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों के प्रमुखों को राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, हिंदी अनुवाद ही नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। किसी भी भाषा की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज सरकार के कर्मचारियों तथा नागरिकों को मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को हिंदी दिवस के अवसर पर बधाई दी। हिंदी दिवस के मौके पर राजभाषा विभाग द्वारा सीडैक के सहयोग से तैयार किए गए लर्निंग इंडियन लैंग्वेज विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीला के मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया गया। इस ऐप से देश भर में विभिन्न भाषाओं के माध्यम से जन सामान्य को हिंदी सीखने में सुविधा और सरलता होगी तथा हिंदी भाषा को समझना, सीखना तथा कार्य करना संभव हो सकेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए राजभाषा विभाग के योगदान की सराहना करते हुए कहा, लीला मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी सीखने की ऑनलाइन सुविधा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं राजभाषा विभाग की प्रशंसा करता हूं। हिंदी दिवस के अवसर पर सरकारी विभागों में हिंदी की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। साथ ही हिंदी प्रोत्साहन सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। सरकार द्वारा हिंदी में अच्छे कार्य के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शील्ड प्रदान की जाती है।
हिंदी में लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार का प्रावधान है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान में हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार पुरस्कार प्रदान करती है। इन प्रोत्साहन योजनाओं से हिंदी के विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणाम स्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। इसी क्रम में राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिसे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिंदी में भी तैयार कर ली हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिंदी में मिलने से गरीब पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। देश की स्वतंत्रता से लेकर हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्व भर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी को भी मान्यता मिली है। भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। पिछले वर्ष सितंबर माह में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में ही अभिभाषण दिया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार प्रसार कर
नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की प्राथमिक अध्यापिका वीना शर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी का परिवार हर वर्ष हिंदी पखवाड़ा बहुत धूमधाम से मनाता आ रहा है, लेकिन कोविड-19 के चलते हम ये हिंदी पखवाड़े को बहुत धूमधाम से ना मनाकर हम डिजिटल माध्यम से ही मनाने जा रहे हैं। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसका सम्मान प्रत्येक व्यक्ति करता है। हिंदी भाषा के सम्मान के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इस पर मैं कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है जन जन की भाषा, हिंदी है भारत का गौरव, हिंदी है जन जन की भाषा। वैदिक मंत्रों के अमृत से पोषित है हिंदी प्रिय भाषा। इसका रस भरकर तुलसी ने मानस का दीप जलाया था, इसका रस भरकर तुलसी ने मानस का दीप जलाया था। तम दूर किया जनमानस का शुचि स्नेह नया छलकाया था। इसमें है वीरों की वाणी जो करती दूर निराशा है। इसमें भारत की आजादी का स्वर्णिम इतिहास तराशा है। हिंदी का उत्थान ध्येय है तो हिंदी ही बोले। अपने दिल की सारी गांठें हिंदी में ही खोलें। पत्र और अभिव्यक्ति सभी में हिंदी में व्यवहार करें। पत्र और अभिव्यक्ति में हिंदी में व्यवहार करें। हिंदी से अपनी धरती सा खूब हृदय से प्यार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शगुन शर्मा कक्षा 8वीं अ की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी के समक्ष एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ। इस कविता का शीर्षक है वीर। इस कविता के कवि है श्री रामधारी सिंह दिनकर। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से ना कभी उफ कहते हैं संकट का चरण कहते हैं। जो आप पड़ा सब सहते हैं उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठोलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर है। मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है।
दसवीं के विद्यार्थी आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण हम सभी विद्यालय में उपस्थित होकर हिंदी दिवस नहीं मना सकते, इसलिए हम सभी अपने घर में ऑनलाइन इस दिवस को मनाएंगे। इसलिए आज मैं हिंदी दिवस के अंतर्गत आपके सामने कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था। माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मौ बुलाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा में अब हम नजर चुराते हैं। क्योंकि हम हिंदी बोलने से घबराते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाए। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद एवं शुभ दिन। नमस्कार, मैं कुशल सांगवान, केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की कक्षा 10वीं अ का छात्र, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसी के चलते हम आज हिंदी दिवस अपने घरों में रहकर ही मना रहे हैं। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। यह शब्द ईरानी में जाकर हिंदू, हिंद व हिंदी बन गया। हिंदी शब्द में ही ईरानी भाषा का एक प्रत्यय जोड़कर हिंदी शब्द बना। हिंदी शब्द का ही विकसित रूप यूनानी भाषा में इंडिका व अंग्रेजी भाषा में इंडिया बना। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 44% लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं। यूं तो सिर्फ 44% लोग ही हिंदी को अपनी मातृभाषा बताते हैं, लेकिन पूरे भारत में हिंदी संपर्क भाषा का कार्य करती है व लगभग पूरे भारत में हिंदी भाषा समझी जाती है। हिंदी भाषा और भाषाओं के मुकाबले काफी सरल है। कम अपवाद हैं जो इसकी सरलता को बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा में विश्व भाषा बनने के लिए सारे गुण हैं। पिछली सदी के आखिरी 2 दशकों में हिंदी भाषा का विकास बहुत तेजी से हुआ है। एशिया के व्यापारिक जगत में हिंदी भाषा अपना स्वरूप बम्बित कर धीरे धीरे अपने आप को अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित कर रही है। वेब, संगीत, सिनेमा, हर जगह हिंदी भाषा की मांग व उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। विश्व भर के 150 विश्वविद्यालयों व छोटे बड़े केंद्रों में हिंदी की विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध कार्य तक की अध्यापन व अध्ययन की व्यवस्था हुई है। विदेशों में भी 25 पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित होती हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।